हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम का यूज़ स्पेशली इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल केसेस, जहाँ पे फ्लैचुलेंस फॉर्मेशन ज़्यादा हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, विद कॉन्स्टिपेशन लाइकोपोडियम क्या सिम्टम शो करती है और किस तरह से उसका सिलेक्शन करना चाहिए। क्या एक जो रूटीन हमारी टेंडेंसी कह सकते हैं, जिनमें हम 3 ट्रायोज रखते हैं एसिडिटी के लिए, उस तरह से काम करना चाहिए, या कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे स्टालवर्ट ने हमें दिए हुए हैं और उनके थ्रू काम कर सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। जब हम लाइकोपोडियम की बात करते हैं तो इसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो हमारे सामने आते हैं, जिसे आप देखोगे। आप सेंसेशन की सबसे पहले बात करो, जब भी आपके पास गैस्ट्रिक अपसेट वाले पेशेंट आएंगे, वो क्या बोलेंगे, डॉक्टर साहब मुझे मुंह में ना सब कुछ ऐसे सोर कड़वा सा लगता है, कुछ बिटर टेस्ट लगा करता है, कुछ समझ ही नहीं आता, खट्टा खट्टा या कड़वा सा टेस्ट, बिटर टेस्ट स्पेशली इन माउथ, एंड देयर इज ग्रेट सेंसेशन ऑफ हार्ट बर्न, यहाँ पे पूरा डॉक्टर साहब जलन होती है, बेल्चिंग डकारे आती हैं, खट्टी खट्टी डकारे आती हैं, या कई बार एम्प्टी इरेक्टेशन भी होते हैं, वहाँ पे बेल्चिंग होती है, लाउड बेल्चिंग्स होती हैं, एंड दे कैन नॉट रिलीव देयर हैवीनेस, लोअर एब्डोमेन में स्पेशली हैवीनेस रहेगी, हमेशा फुला फुलनेस एंड हैवीनेस इन लोअर एब्डोमेन, लिसन वेरी केयरफुली, पेट में नीचे का जो हिस्सा है, देर विल बी हैवीनेस फुलनेस एंड कैन नॉट रिलीव्ड बाय बेल्चिंग, देर इज लाउड बेल्चिंग, एम्प्टी बेल्चिंग मॉर्निंग में भी हो सकती है, डे में थ्रू आउट द डे हो सकती है, एंड देर इज एग्रावेशन स्पेशली इन ईव 4 to 8 PM, दिस इज वेरी रिमार्केबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शाम के समय 4 से 8 के बीच में जो सिम्टम्स हैं बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होने लगती है, डकारें आने लगती हैं, हार्ट बर्न सेंसेशन हो जाता है, पेट में हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड देर इज ग्रेट एपेटाइट, कैनाइन हंगर, देर इज ग्रेट हंगर, पेशेंट ऑलवेज वॉन्ट टू ईट समथिंग स्पेशली एट नाइट, रात में उठ करके पेशेंट खाना खाए, या आप देखोगे दिन भर भी वो पेशेंट कुछ ना कुछ खाता रहता है, एक तो ये टेंडेंसी मिलेगी, इसी के साथ एक जो कॉन्ट्राडिक्टरी टेंडेंसी मिलती है, फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, दिस इज द सिम्टम। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ा सा खाया, एक चपाती खाई, आधी खाई, पेट भर गया, थोड़ी देर बाद फिर खाया, उसके बाद पेट भर गया, सो दिस इज द टेंडेंसी, फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, पूरा ऐसा लगा जैसे यहाँ तक भर गया, डॉक्टर साहब मैं तो खा ही नहीं सकता, एंड सेकेंड इज दिस कैनाइन हंगर, खाते जा रहा है, पेट भर गया लेकिन इच्छा खत्म नहीं हो रही है, लाइकोपोडियम इज देयर, अदर रेमेडीज आर देयर, सल्फर है, सुराइनम है, सीना है, बट इसकी जो अदर सिम्टोमेटियोलॉजी है रिलेटेड टू GIT वो अलग है, एकदम अलग है यहाँ पे। साथ में आपको मैं बताना चाहूँगी, सिंस प्यूबर्टी के एज से ही कॉन्स्टिपेशन रहे, कोई बोले कि मुझे 10 साल की थी या मैं 12, 13, 14 साल की थी, तब से ही मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा, मेल और फीमेल कोई भी, और साथ में मुझे अब पाइल, एक्सटर्नल पाइल जो है वो डेवलप हो रहे हैं, स्टार्ट की जो स्टेज होती है जहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की आपको हिस्ट्री मिले, सिंस प्यूबर्टी फुलनेस इन लोअर एबडामन, स्वेलिंग मिले लोअर एबडामन में, बेल्चिंग इरेक्टेशंस मिले, फ्यू माउथफुल फिल अप द थ्रोट, और कैनाइन हंगर, ग्रेट हंगर मिले साथ में, एंड देर इज कॉन्स्टिपेशन हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ पाइल, एक्सटर्नल पाइल मिलते हैं स्टार्ट के जो रहते हैं, वहाँ पे लाइकोपोडियम बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, यही हमें हेल्प करते हैं एक्चुअली राइट रेमेडी सिलेक्शन में, वी गो विथ थेरेप्टिक पर्पस की भाई लाइकोपोडियम यूज, बट इफ़ सिम्टम्स आर नॉट मैचिंग, यू आर नॉट इंडिविजुअलाइज द केस, तो देर विल बी नो रिजल्ट, राइट। कुछ फिजिकल सिम्टम की थोड़ा बात कर लेते हैं, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है उसे दो तरह से मैं और क्लैरिफाई करती हूँ, एक तो उसका फिजिकल सरफेस, फिजिकल प्लेन क्या है, लुकअप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड सेकंड वन इज हिज और हर मेंटल स्टेटस। तो फिजिकली अगर हम देखते हैं लाइकोपोडियम को फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि लीन थीन दुबला पतला है, जिनमें रिंकल्स बहुत जल्दी आ गए हों, अर्ली एज में रिंकल्स आ जाते हैं, जिन लोगों को ड्राई पेशेंट दिखते होंगे, कई बार वो सेमी ट्रॉपिकल कंडीशन भी दिख सकती है, अपर बॉडी पार्ट एमेसिएटेड दिखे, और जहाँ मैंने बताया ना आपको लोअर एब्डोमेन कैसा दिखेगा, फूला हुआ ड्रॉपसिकल कंडीशन दिखती है, तो वहाँ पे लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, विदर्ट ड्राई कंडीशन आपको मिल सकती है लाइकोपोडियम में, लेकिन यहाँ पे नक्सफॉर्मिका भी आती है यहाँ पे, या सल्फर भी आता है, नेट्रोम्यूल भी आता है, बट वी नीड टू डिफ्रेंशिएट कि अर्ली एज में रिंकल्स दिख रहे हैं, ड्राई है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, ब्लॉटिंग इज देयर, इरेक्टेशंस आर देयर, सो यू कैन गो विद अदर सिम्टम टू क्लैरिफाई लाइकोपोडियम।
साथ में जो इसके डिज़ायर और अवर्जन की बात करें अगर लाइक को पूरी होगी, तो बेसिकली स्वीट का अफेक्शन इसको ज़्यादा है, स्वीट की तरफ अफेक्शन इसका ज़्यादा जाता है। मुंह में हमेशा माउथ में बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट लगता है विदाउट फीवर, सो दिस इज ऑल्सो वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, है ना। और मेंटल सिम्टम की बात करें तो लाइकोपोडियम इज वेरी इंटेलिजेंट, IQ बहुत है, बहुत स्मार्ट पर्सन, लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, ऑलवेज वॉन्ट टू लीड, ऑलवेज वॉन्ट टू ओवर रूल, है ना, लोगों को ओवर रूल करने की आदत होती है, डोमिनेट करने की आदत होती है। स्कूल में ऐसे बच्चे जो फाइट करें, हमेशा अपनी ही अपनी बात मनवाएं घर पे, या कुछ लोग जिनमें लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा होती है, जो लोगों को अफेक्टनेट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, एंड दे हैव एक्चुअली उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। बट साथ में आप देखोगे थोड़ा सा ये हाइडिंग नेचर के होते हैं, माइजर होते हैं, मनी को लेकर के मनी सेवर होते हैं, बट दे आर गुड प्लानर एंड दे ऑल्सो हेल्प पीपल विदाउट टेलिंग टू एनीवन, बिना किसी को बताए। तो एक हाइडिंग पर्सनैलिटी भी है लाइकोपोडियम की, इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं एंड व्हेन यू गो विद केस टेकिंग, तो आपको ये चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे डोमिनेंसी इज देयर, ऑलवेज रिजर्व डिस्प्लेजर इज देयर, है ना। लाइकोपोडियम में माइजर है, तो अकेले रह के चीज़ों को प्लान करने की बहुत आदत है, बट हेल्पिंग ही है, हेल्पिंग भी है, कई मायने में लोगों की हेल्प करता है। जैसे आप कॉस्टिकम पढ़ते हो, सिंपथेटिक, तो सिंपथेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा दयालु नहीं है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नहीं है, बट लाइकोपोडियम इज अ सेंसिबल पर्सन, सेंसोरियस पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट है, तो लोगों की हेल्प करता है, वो अपने तरीके से करता है। तो माइजर है, मीन्स इट, माइजर का मतलब यहाँ पे नहीं कि वो किसी की हेल्प नहीं करेगा या कुछ, वो पैसों को बहुत सही तरीके से, उसके जो कहते हैं ना लेन देन भाव का तरीका, मोल भोल, वो बहुत आता है उसे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंस नहीं है, पैसे खर्च कर देगा लाइक ओपियम और अदर रेमेडी, बट यहाँ पे वो सेवर है, बट ही इज ऑल्सो अ हेल्पर। तो ये एक हाइडिंग पर्सनैलिटी है। बाय दीज थ्री वेज वी कैन सेलेक्ट अवर होम्योपैथिक रेमेडी, चाहे वो कोई भी हो। आज हमने लाइकोपोडियम डिस्कस किया, बट कोई भी रेमेडी हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फिजिकल एंड मेंटल, अगर हम सही से कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और रीड आउट करते हैं, वी कैन श्योरली ट्रीट मैनी मोर केसेस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मुझे बताइए नेक्स्ट आपको किस रेमेडी में चाहिए। और यस, ऑफकोर्स एज अ होम्योपैथ मैं कहना चाहूँगी, होम्योपैथ एटलीस्ट मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, मुझे कॉमेंट्स कर सकते हैं।